और यस यहाँ पर एक गुफा है अंदर। जाऊ या नहीं जाऊ, हेल्थ मेरी उतनी है नहीं यार। ये क्या कुछ खा सकते हैं अपन इससे लेके? खा तो नहीं सकते मगर कुछ तो बढ़िया वाली चीज मिली। और यहाँ पर देखोगे तो अपन एक बढ़िया वाली गुफा के अंदर आ चुके हैं। और म्यूजिक आ रही है बहुत गंदी वाली भाई। और इसको बनाने के लिए अगर देखोगे तो 500 सीमेंट चाहिए, 250 मेटल प्लेट चाहिए, 400 मेटल रॉड चाहिए और 1500 वायर चाहिए, कॉपर वायर। तो हेलो, स्वागत है आप सभी का सेटिस्फैक्ट्री के एक और नए मजेदार एपिसोड में। तो हम वापस आ चुके हैं और आज का एपिसोड ना काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है क्योंकि आज अपन अपने हब को अपग्रेड करने वाले पूरी तरह से, मतलब पूरा ही नहीं करने वाले, थोड़ा थोड़ा करके अपन अच्छे से अपने हब को अपग्रेड करेंगे। हब को अपने को इसलिए अपग्रेड करना है क्योंकि हब को जैसे ही हम अपग्रेड करते हैं ना तो अपने को काफी सारी चीजें अनलॉक होती है और फिर हम काफी ज्यादा और चीजों को क्राफ्ट कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। और अगर लास्ट वाली लाइव स्ट्रीम देखी तो लास्ट वाली लाइव स्ट्रीम के अंदर मैंने तकरीबन सारी चीजों को मिशन के ऊपर लगा दिया था। यहाँ पर अगर देखोगे तो ये है बायोमास बर्नर और इधर से बन रहा है, मतलब ये स्मेल्टर से अपन बन रहा है आयरन इंगट, वो जा रहा है यहाँ पर। इधर थोड़ी सी तार बन रही है, उधर थोड़ा कुछ और दूसरा, इधर भी तार ही बन रही है। अब इसके आगे ना मेरे को एक दूसरी चीज बनानी है ताकि मैं यहाँ पर केबल बना सकूं। और यहाँ पर अगर देखोगे तो 500 आयरन वायर बन चुकी है, सॉरी कॉपर वायर बन चुकी है। और ये रहा अपना पूरा का पूरा माइनर, बड़ा वाला माइनर हमने यहाँ लगा दिया। देख रहे हो यहाँ पर कितनी ज्यादा स्पीड से जा रहा है ये। और यहाँ पर अगर पावर देखोगे तो इसके अंदर चलो 133 बायोमास है अभी, तो अपने को दिक्कत की बात है नहीं। अब अपने को चलना है जाके, सबसे पहले देखते हैं हब अपग्रेड करने के लिए अपने को क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये रहा अपना हब का। अब यहाँ पर देखोगे तो ये बेस बिल्डिंग बनाने के लिए, मतलब इसको अगर अनलॉक करेंगे हम तो फिर ये सारी की सारी चीजें उसके साथ में अनलॉक होगी और फिर ये सारी की सारी चीजें ना अपन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अभी माइलस्टोन अगर देखेंगे तो 200 कॉन्क्रीट चाहिए, 100 मेटल प्लेट और सिर्फ 100 रॉड चाहिए। इतना माल तो मेरे पास में खूब भर भर के पड़ा है। यहाँ पर अगर देखोगे तो ये काफी ज्यादा पड़ा हुआ है। तो अब जितना सीमेंट लगने वाला है ना, पूरा का पूरा सीमेंट पहले यहाँ पर लगा देते। 320 सीमेंट है मेरे पास में, 200 लगा दिया और बाकी का जो 120 पड़ा हुआ है ना वो वापस से अपन यहाँ पर इसके अंदर ही रख देते हैं। चलो ये सीमेंट गया उसके अंदर। और उसके साथ में मेटल रॉड चाहिए थी ना, तो इधर शायद से मेटल रॉड बन रही है। यस ये मेटल प्लेट बन रही है, 200 मेटल प्लेट ले लेते। और बाजू से ना इधर साइड से आयरन रॉड बन रही थी, तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ 200 आयरन रॉड भी ले लेते। और जो बचा कुछ अपने इन्वेंटरी के अंदर पसा रहा है ना वो भी जाके अपन ना अपने स्टोरेज बॉक्स के अंदर रख देते हैं अब, क्योंकि काफी ज्यादा लोड लेके हम घूम रहे हैं। और ये 100 मेटल प्लेट चाहिए थे, 100 मेटल प्लेट आ गई। 100 रॉड चाहिए थे, ये ले 100 रॉड आ गया। अब पीओडी को लॉन्च करना पड़ेगा और ये कर दिया अपन ने, हो चुका बेस बिल्डिंग। मतलब अब ऐसा समझ लो अब अपन कोई भी कंस्ट्रक्शन एकदम आसानी से कर सकते हैं। मतलब ऐसा समझ लो नीचे अगर मेरे को कुछ बेस बनाना है तो वो बेस एकदम मैं आसानी से बना सकता हूँ। और ये पता नहीं उड़ के स्पेस में कहाँ जा रहा है। खैर अभी सिर्फ एक ही नहीं, अपने को और भी काफी ज्यादा अपग्रेड करना है। तो फील्ड रिसर्च के अंदर अगर देखोगे तो ऑब्जेक्ट स्कैनर है, ये मैम पता नहीं क्या है, बीकन है, पर्सनल स्टोरेज बॉक्स, अपने को ये काफी ज्यादा लगने वाला है क्योंकि अपने पास में ना स्टोरेज के लिए बस हब के अंदर जो कंटेनर बचा है उसके अंदर ही है। इसके अंदर अगर देखोगे तो अपने को क्या चाहिए अभी इसको अपग्रेड करने के लिए, अपने को 300 कॉपर वायर चाहिए, स्क्रू चाहिए 300, 100 मेटल प्लेट चाहिए। 100 मेटल प्लेट तो मेरे पास में ऑलरेडी पड़ी हुई है, मगर उससे पहले ना अपने को 50 सेकंड रुकना पड़ेगा जब तक अपना पीओडी आ नहीं जाता, उसके बाद में ही हम अपग्रेड कर सकते हैं। जब तक ना मैं काम करता हूँ, यहाँ पर अगर देखोगे तो सल्फर वगैरह और ये बायोमास अपन ने काफी ज्यादा बना के रखा था। यस मेरे को वही देखना था सबसे पहले, ये अभी मेरे काम का नहीं है तो ये सारा का सारा ना माल मैं इसके अंदर रख देता हूँ। ग्रीन पावर क्या 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 चीजें मेरे को, बहुत सारी सारी चीजें और बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें अपने को मिल गई थी। और पीओडी आ रहा है, एक मिनट इधर जाके ना देखते ऊपर ना कहीं तो, यस ये वापस आ गया अपने पास में इधर। चलो इधर लगता रहेगा ना अपन, अब जाके देखते अब अपन अपग्रेड कर पा रहे हैं या नहीं। यस अब अपन अपग्रेड कर पा रहे हैं, ये जो मेरे पास में पड़ा हुआ था ना वो पूरा माल मैं इधर लगा देता हूँ। चलो ये मेटल प्लेट इधर आ गई, स्क्रू अपने को बनाना, स्क्रू काफी ज्यादा लगने वाले है तो जाके ना पहले कॉपर वायर ऊपर से उठा के लाते। ऊपर कॉपर वायर काफी ज्यादा पड़ी हुई है, अपने को 300 कॉपर वायर चाहिए थी, अपने पास में बहुत भर भर के कॉपर वायर पड़ी हुई है। तो ये 500 इधर स्टॉक बन के रेडी है, 500 ले लेता हूँ जाके, 500 लगा देता हूँ, बचा कुचा माल ना वापस इधर लाके रख देंगे। हब को अपग्रेड करना काफी ज्यादा जरूरी है। अब अपन पर्सनल कंटेनर बॉक्स भी बना सकते हैं तो अपने को स्टोरेज की नहीं दिक्कत नहीं है, वो किधर भी अपन स्टोरेज रख सकते हैं फिर एकदम आसानी से। चलो ये कॉपर वायर इधर पूरे के पूरे लगा दिए, सिर्फ अपने को बनाना है स्क्रू। और स्क्रू बनाने के लिए वैसे लगेगा क्या, मेटल रॉड चाहिए, एक मेटल रॉड से 4 स्क्रू बनते हैं तो स्क्रू
शुरू का ऑटोमेशन तो अपन ने किया नहीं है ना, तो एक काम करता हूँ इधर से ना मैं इसको मैन्युअली बना लेता हूँ। वैसे अपने को ज्यादा नहीं 300 स्क्रू लगने वाले, 300 स्क्रू तो अपन थोड़े से रॉड के अंदर ही एकदम आसानी से बना सकते हैं। चलो तो 300 की जगह मैंने 320 स्क्रू बना दिए, थोड़े से एक्स्ट्रा बना के रख लिए और ये भी अपन ना इधर लगा देते हैं। अब अपन इसको अपग्रेड कर सकते हैं और ये हो चुका है अपग्रेड। अभी और अपग्रेड करने के लिए क्या क्या चीजें लगेगी पता नहीं है अपने को। तो टायर 0 था अपन ने पूरा अपग्रेड कर लिया, टायर 1 को भी अपन ने पूरी तरह से अपग्रेड कर लिया, काफी सारी चीजें कर सकते हैं। अब अपन जाते हैं टायर 2 के अंदर। इसके अंदर देखोगे तो पार्ट असेंबली, ये असेंबलर कुछ तो है, कॉपर शीट, रोटर, मॉड्यूलर फ्रेम और ये स्मार्ट प्लेटिंग। अब ये पता नहीं है क्या सारी चीजें, मेरे को कोई आइडिया नहीं है इसका, ये तो टाइम के साथ अपन सीख जाएंगे। और ये अपने को इधर चेन सॉ मिल रही है, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है ना ये चेन सॉ से अपन ना शायद से झाड़ वगैरह वो भी काट सकते हैं फ्यूल बनाने के लिए। अभी लीव्स का बायोमास बना रहे, फिर अपन वुड का भी बायोमास बना सकते हैं। और अगर देखोगे तो जंप पैड्स भी, मतलब अपना जो माइनर तुम लोगों को एक लेके चल के बताता हूँ, अगर ये सीमेंट का माइनर देखोगे तो यहाँ से आने के लिए ना काफी ज्यादा दिक्कत होती है, मतलब ये जो हाइट है यहाँ से ना अपन ऊपर जा नहीं सकते डायरेक्ट। अब मैं इधर एक जंपर लगा दूंगा ना सीधा जंप करके एक ही झटके में ऊपर। अब चलते हैं टायर 2 को अपग्रेड करने के लिए। इसके लिए अपने को लगेगा सबसे पहले ना पार्ट असेंबली को अपग्रेड करते हैं। इसके लिए अपने को 200 वायर चाहिए, 200 मेटल रॉड चाहिए, 500 स्क्रू और 300 मेटल प्लेट। ये कुछ ज्यादा है एक्चुअल में, अगर तुम लोगों को बताऊं तो ये काफी ज्यादा है। तो एक काम करना पड़ेगा ऊपर से जाके ना पहले तो मैं कॉपर वायर उठा के ला लूं जिससे अपन केबल बना सके। ज्यादा कॉपर वायर उठानी पड़ेगी अपने को, 278 ही अपने पास में, ज्यादा नहीं है। चलो ये माइन करता रहेगा ना, अपन तब तक दूसरा काम कर लेते हैं अपना। और 200 मेटल रॉड चाहिए थे इधर, 200 मेटल रॉड तो बन के रेडी हो गए। यहाँ पर अगर देखोगे इसके अंदर अपने कुछ काम का है, चलो थोड़ा सा और मेटल प्लेट उठा लेते हैं, ये और बनाता रहेगा। काफी ज्यादा सामान लग रहा है यार अपग्रेड करने के लिए, कुछ ज्यादा ही सामान लग रहा है। अभी तो टायर 2 के ऊपर ही है, पता नहीं और कितना टाइम लगेगा अपने को। और अपना ऑर्ड तो आ गया है रिटर्न, अब अपन ना अपग्रेड कर सकते हैं अपने हब को। तब तक एक काम करता हूँ मैं, ये लगता है ना तो थोड़ा सा बायोमास उठा के ना अपने इन्वेंट्री के अंदर रख लेते अपन, और जाके ना जितने अपने बायोमास बर्नर है ना उसको जाके फ्यूल दे देते ताकि ये और अच्छे से काम करता रहे। चलो ये तो लगा दिया इधर, एक जगह बायोमास बर्नर आ गया, ये दूसरी जगह भी बचा कुछ बायोमास बर्नर लगा देते। इधर का हो गया, जाके ऊपर साइड ना कॉपर के उसमें भी, मगर कॉपर के उसमें लगाने से पहले ना इधर अगर देखोगे तो यहाँ पर कितनी पावर है। वैसे यहाँ पर 185 है अभी और इसके अंदर 172 है, मतलब पावर अपने पास में काफी ज्यादा है। अभी पावर का अपने को इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पावर अपने पास में खूब है, इसके अंदर पावर कम है। तो एक काम करते हैं बाकी का पूरा पावर यहाँ लगा देता हूँ। चलो ये तो बनता रहेगा, कंस्ट्रक्ट होता रहेगा। अपना पॉड भी रिटर्न आ चुका है, तो अब यहाँ पर जाके ना पहले तो चाहिए 200 वायर, तो ले 200 वायर मैंने यहाँ पर लगा दिया। मेटल रॉड चाहिए 200, ले 200 मेटल रॉड लगा दिया। स्क्रू चाहिए थे 500 चाहिए थे, 20 स्क्रू बचे तो वो लगा देते। 300 मेटल प्लेट चाहिए थी, 190 मेटल प्लेट्स अपने पास में थी, 190 मेटल प्लेट्स मैंने लगा दिया। अब जाके ना पहले केबल बनाते। वैसे अपने को इधर मैनुअली थोड़ी देर के लिए क्राफ्ट करना पड़ेगा पहले। चलो स्क्रू क्राफ्ट कर लेता हूं मैं, 500 स्क्रू चाहिए ना अभी, जितना अपने पास में मटेरियल है ना उसके अंदर 500 स्क्रू शायद से हो जाएंगे। और फिर उसके बाद में बनाते केबल, फिर उसके बाद में अपने को बनाना है। मगर ये सब करने तक ना मेटल शीट अपने पास में और काफी ज्यादा 100 के आसपास तो होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अपने को बेसिक कंस्ट्रक्शन के लिए जो चीजें चाहिए वो तो अपन ने पूरी ऑटोमेशन के ऊपर लगा दी, मगर ये स्क्रू और ये बाकी सारी चीजों को ना ऑटोमेशन पे लगाना है। और ये 500 स्क्रू तो अपने पास में चलो हो गए ना, 500 स्क्रू एक काम करते हैं यहाँ पर लगा देते। 500 हो गया, 28 स्क्रू अपने पास में एक्स्ट्रा में पड़े हुए हैं। मेटल का झंझट खत्म, सिर्फ केबल बनाना है और आयरन प्लेट जब तक बनती रहेगी यहाँ पर ना अपन केबल बना लेते हैं। सबसे 260 केबल अभी अपन बना सकते हैं, अपने को लगने वाली है 282 तो अपन ने लगा दिया, तो थोड़ी ना ज्यादा बना के रखते क्योंकि पावर देने के लिए केबल अपने को खुद को भी यूज में आती है, तो केबल ना अपने को एक्स्ट्रा बना के रखना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूँ 150 केबल बना के रख लेता हूँ, और ये 150 चलो केबल बन गई। 82 तो अपन ने ऑलरेडी बना के रख दिया ना, तो ये बाकी की रख देते। 32 केबल अपने पास में इन्वेंट्री के अंदर रखते कभी भी अपने कुछ काम में आ जाए तो। अब बस बचा है मेटल प्लेट लगाना, शायद से मेटल प्लेट बन के रेडी हो गया हो, एक बार जाके ना इधर चेक कर लेते। मेटल प्लेट मेरे हिसाब से ना बन के रेडी हो जानी चाहिए, 46 ही बनी है अभी, थोड़ी बहुत ना अपन मैनुअली बना लेते अपने मशीन के लिए, वेट नहीं करते तब तक। चलो ये 46 लगा दिया, 236 ना थोड़े से ही अपने को बनाने जब तक अपन वो मैनुअली कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। चलो तो मैंने अच्छे खासे मेटल प्लेट बना लिया, 84 बनाया हो और इधर लगा के 300। ये हो चुका है अपना अपग्रेड, अब पीओडी को कर देंगे लॉन्च। अच्छा खासा अपन ने अपग्रेड कर लिया है, मगर अब ना अपने को ना एक स्टोरेज बनाना है जिसके अंदर अपन सामान रख सकते हैं। पहले देख लेते हैं स्टोरेज बनाने के लिए अपने को लगेगा क्या। वैसे ये ऑब्जेक्ट स्कैनर से अपन और
कौन सी चीजों को स्कैन कर सकते हैं, और ये बीकन क्या है पता नहीं। तो स्टोरेज बॉक्स बनाने के लिए ना 6 मेटल प्लेट और 6 मेटल रॉड लगेगी। तो सबसे पहले ना इधर आके 6 मेटल प्लेट और 6 मेटल रॉड, तो अपने पास में मेटल प्लेट तो काफी सारी है और मेटल रॉड भी अपने पास में काफी सारी है ना, तो इधर जाके एक बार कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं उसका। तो ये स्टोरेज बॉक्स को मैं बनाता हूं, फिलहाल के लिए इधर बना के रखते हैं, बाद में अपन ना थोड़े टाइम के बाद में चेंज कर लेंगे। दो बॉक्स मेरे हिसाब से काफी है, इसके अंदर कितना सारा माल आ जाएगा पहले वो देखते हैं। ये जो अपने काम करनी है ना वो इधर अपन लगा देते हैं, वुड थोड़ा सा वुड भी रख देते हैं, वुड भी अपने काम करनी है, मेटल इंगट, आयरन इंगट, और ये खाना अभी अपने को लगने वाला है क्योंकि खाना मेरे पास में है नहीं और हेल्थ काफी ज्यादा मेरी कम हो चुकी है। वैसे खाने का जुगाड़ ना अपने को करना पड़ेगा क्योंकि हेल्थ अपनी काफी ज्यादा कम हो चुकी है। तो चलते थोड़ा सा आगे से ना एक छोटा राउंड मार के आते हैं, मगर उसके साथ में ना अपने को लीव्स भी काफी ज्यादा कलेक्ट करके रखनी है यार। पूरी की पूरी चीजों को ना अपने को सिस्टमेटिक रखना पड़ेगा, काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि अभी ना अपन ने काफी ज्यादा मिक्स करके रखा, मगर धीरे धीरे करके अपन कर लेते ना। अभी जाके पहले खाने की तलाश करके आते हैं, अपने को बस ना कोई एलियन ना मिले, बस मैं वो सोच रहा हूँ। एलियन अगर मिल गया ना, मगर उससे पहले ना मेरे को देखना है और क्या क्या चीज स्कैन कर सकते नहीं, और कुछ ज्यादा चीजें अपन स्कैन नहीं कर सकते, सिर्फ अभी अपन थोड़ी बहुत चीजें ही स्कैन कर सक रहे हैं, जैसे कि आयरन और कॉपर और लाइमस्टोन। आजा पत्ते, तू भी आ जा। और यहाँ पर अच्छे खासे किसकी तो आवाज आई मेरे को अभी जस्ट, पता नहीं ये कौन सी जगह है, मेरे को सामने जाके एक्सप्लोर करना है, पता नहीं वो क्या है। और नीचे अगर देखोगे तो नीचे तो खतरा है, मगर खतरे के साथ मैंने इधर कुछ और दूसरी चीज नहीं मिल रही है, क्या मेरे से लड़ने आ रहा है क्या। और नीचे ना सल्फर या ऐसा कुछ तो चीज अपने को मिल रही है, मगर उससे पहले अपने को इससे लड़ना पड़ेगा, और लड़ने के लिए ना अपने पास में उतनी हेल्थ है नहीं। एक काम करता हूं, मैं पत्ते तो उठा लेते फिलहाल में, फिर लड़ने का देखेंगे, लड़ने का जुगाड़ कर लेंगे थोड़ा बहुत। और यहाँ पर तो कुछ बढ़िया चीजें लग रही है मेरे को, मगर खतरा भी है साथ में। जहाँ पर काम की चीजें मिल रही है यार, सामने खाना है, मगर खाने के लिए ना मेरे को लड़के जाना पड़ेगा। और ये ऐसा जानवर है कि ये डैमेज देता ही देता है, और अगर मैं मर गया ना तो फिर दिक्कत की बात हो सकती है। तो एक काम करते हैं, क्योंकि देख रहे हो कोई चीज है अपने पास बढ़िया वाली, इसीलिए इतना बढ़िया। चलो यहाँ से तो अपने को खाना मिल गया यार, मैं एक काम करूँ इससे जाके लड़ लूँ या नहीं लड़ू मेरे समझ नहीं आ रहा, बस ये एक है या और कोई भी है इसके साथ में पता नहीं अपने को। एक काम करते चलो लड़ ही लेते इसे। हेल्थ देख रहे हो मेरी, हेल्थ देख रहे हो मेरी कितनी ज्यादा। और ये ग्रीन पावर्स लग मेरे को लगा ही था ये, क्योंकि ग्रीन ग्रीन ना रोशनी दिख रही थी। और कौन सा जानवर है, यस अपने को खाना मिल गया इधर। चलो अच्छा खासा ना पेड़ भर लेंगे अपन यहाँ से, यार नीचे जाके देख के आओ क्या उधर कौन क्या चीज है। और यहाँ पर जब मैं इसके वीडियोस देख रहा था ना, इसके अंदर काफी कुछ चीजें अपन ने अभी बेसिक सा भी काम नहीं किया, मगर वो सब काम करते रहेंगे, मगर उससे पहले ना खाना ले लेता हूँ हाथ में, वरना ऐसी की तैसी हो जाएगी। चलो खाना तो अपन ने खा लिया, थोड़ी बहुत हेल्थ भी आ गई अपने पास में, अब चुपचाप से ना वापस घर पे चलते हैं। और यहाँ पर देखोगे तो मेरे को राइट साइड में कुछ तो दिख रहा है, मगर उसके साथ में सामने दो दो जानवर भी है। आजा बे, आजा 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 बेटा आजा, वहां कहाँ जा रहा है भाग के, आजा आजा आजा, डॉज डॉज। ओ डैमेज दिया, डैमेज दे दिया भाई इसने तो। चलो इसका काम खत्म, सिर्फ उसका एक साथी बचा हुआ है, और वो पता नहीं कहाँ है, सामने ही था अभी तो, जस्ट इधर कहीं पर था, और मेरे को अभी दिखाई नहीं दे रहा, बस आवाज आ रही है। एक काम का तो राइट साइड से अगर चल के देखे, मेरे ख्याल से यहीं पर होना चाहिए वो, क्या जस्ट अभी यहाँ पर ही था वो, मगर उससे पहले ना खाना उठा लेते, जो खाना मिल रहा है, खाना इम्पोर्टेंट है भाई, खाना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आजा आजा आजा, इसको मारना ना काफी ज्यादा इजी है, इसको दिक्कत नहीं होती मारने में। ओबे कहा गया मर गया इसने काफी ज्यादा गंदा डैमेज दिया अपने को। खाना खा लेते हैं, और मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पर अंदर एक गुफा है, और यस यहाँ पर एक गुफा है अंदर, जाऊ या नहीं जाऊ, हेल्थ मेरी उतनी है नहीं यार। ये क्या कुछ खा सकते हैं अपन इससे लेके, खा तो नहीं सकते, मगर कुछ तो बढ़िया वाली चीज मिली। और यहाँ पर देखोगे तो अपन एक बढ़िया वाली गुफा के अंदर आ चुके हैं, और म्यूजिक आ रही है बहुत गंदी वाली भाई। यहाँ पर अपने ये तेरी तो हट गई
मेरी फट गई साला ऐसा। मैं अभी नहीं आ रहा, मैं जब तैयारी के साथ आऊंगा ना तब गुफा को एक्सप्लोर करेंगे, और गुफा अपने घर के नजदीक है तो दिक्कत की बात है नहीं। अभी मैं नहीं जा रहा, अभी ये मार देते ना मेरे को हो जाता। वैसे काफी ज्यादा जल्दी मर गई मकड़ी, वो एक दो शॉट के अंदर ही मकड़ी क्या ज्यादा स्पीड से आई। जो सल्फर मिल रहा है अपने को उठा के रख लेते, पता नहीं अभी नहीं तो बाद में कुछ काम में आ जाए अपने सल्फर ये। चलो पूरा का पूरा सल्फर उठा दिया, अच्छा खासा सल्फर मिला है अपने को, और अच्छी खासी घास भी मिल गई बायोमास बनाने के लिए। और ये एलियन का है बैक साइड का एरिया क्या काम में आएगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो अपने को रिसर्च सेंटर लेके जाके चेक करना पड़ेगा कि वो क्या काम में आएगा। अपने काम चलते रहना चाहिए, काम नहीं रुकना चाहिए। अभी फिलहाल में ऊपर जाने के लिए ना मैं कन्वेयर बेल्ट का यूज कर रहा हूँ, मतलब यहाँ से कन्वेयर बेल्ट पे चढ़ के ही मैं ऊपर साइड में जा रहा हूँ, वरना मेरे को वहां से ना काफी ज्यादा घूम के आना पड़ रहा है। चलो आ गए अपन इधर, और यार आते आते अपन नीचे गिर गए। अब यहाँ पर ना स्टोरेज कंटेनर के अंदर सबसे पहले डालता हूँ मैं, सल्फर मिल गया मेरे को, और ये अपने को जो मशरूम टाइप मिला उससे देखो अपन क्या कर सकते। एक तो चीज पहले क्राफ्ट कर सकते, ऊपर से बायोमास बर्नर के अंदर यूज कर सकते, और अगर जब हम गाड़ी बना लेंगे तो अपन उससे गाड़ी भी चला सकते हैं, मतलब गाड़ी का फ्यूल, गाड़ी के लिए फ्यूल का काम करेगा। और मैंने थोड़ा एक्सप्लोर करने गया था ना, मेरे को मोटर भी मिल गई थी, तो मोटर को तो चलो इधर रखा देते हैं अपन। और कितनी मेटल प्लेट रेडी हो गई, 116 मेटल प्लेट से रेडी हो चुके हैं। चलो ये सारी की सारी चीजें तो हो गई, अब अपने को ना पूरे उस पर नजर रखने के लिए ना सबसे पहले एक छोटा सा लुकआउट टावर बनाना है। तो लुकआउट टावर कुछ ये रहा, लुकआउट टावर को ना अपन यहाँ पर एक फिलहाल के लिए यहाँ पर लगा देते हैं, ताकि यहाँ से ना अपन पूरे उस पर चेक कर सके कि क्या चल रहा है अपने यहाँ पर, किधर पावर जा रही है किधर पावर नहीं जा रही है। और ये रहा अपना लुकआउट टावर, देख रहे हो यहाँ से पूरा का पूरा बेस दिख रहा है अपने को। यहाँ से बस अपने को चढ़ के एक चीज ये देखनी है कि ग्रीन लाइट कहाँ पर आ रही है। जहाँ पर मतलब ग्रीन लाइट आ रही है ऐसे समझ लो वहां पर ना पावर आ रही है, और जहाँ पर रेड लाइट आ रही है वहां पर समझ लो कि वहां पर पावर बंद हो चुकी है। तो ये बस यहाँ से ना अपने को पूरे ग्रीन लाइट्स के ऊपर नजर रखना, क्योंकि मैनुअली अगर नीचे जाके देखूंगा ना मैं तो इतने सारे उसके अंदर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पर लाइट है और कहाँ पर नहीं है। आप फटाफट से नीचे चलते, और नीचे चलने के लिए यस यहाँ से उतरना पड़ेगा अपने को। मैं पहले जंप कर रहा था और डैमेज लग जाता। अब जो माल पूरी तरह से इसके अंदर पड़ा हुआ था ना, जो अपन ने एक्स्ट्रा स्टॉक करके रख दिया था इसके अंदर, वो पूरा का पूरा माल ना अपन जाने देंगे इसके अंदर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज अपने को ये भेजनी है पहले, ये पत्थर वत्थर सारी की सारी चीजें जो अपने को चीजें मिली है क्राफ्ट करने के लिए, पूरा का पूरा माल ना उठा के यहाँ पर डाल देते। ये अपना फिलहाल के लिए मैंने पूरे के पूरे स्टोरेज कंटेनर ना इधर बना दिया हूँ। अभी अपने पास में 150 वुड 500 लीव्स, मतलब इधर नीचे भी कुछ लीव्स है, इससे अपन और ज्यादा बायोमास बना सकते हैं। मगर उससे इम्पोर्टेंट चीज जो अपना खाना है उसको हाथ में रखते हैं, और अपन पेट भर के पहले खाना खाते हैं। अपनी हेल्थ अगर देखोगे तो काफी ज्यादा कम है, और इससे काफी ज्यादा अच्छी हेल्थ बढ़ रही है अपनी। अब चलते इधर जाके मैनुअली बायोमास बर्नर बना लेते हैं। लीव से काफी ज्यादा देर तक बायोमास बर्नर चलते, तो बायोमास बर्नर का तो टेंशन है नहीं, काफी ज्यादा अच्छा पावर दे रहे हैं वो। काफी सारी चीजें अपनी एक बायोमास बर्नर के ऊपर काम कर रही है और चल रही है। और वुड का भी बायोमास बर्नर बना के ना मैं रख लेता हूँ, पता नहीं कितना बनेगा मगर अच्छा खासा बन रहा है। और अभी स्टॉक बायोमास बर्नर का अपने पास में काफी ज्यादा हो चुका है, 4 से 5 स्टैक तो अपन ने बायोमास बर्नर के बना लिए। इससे हो गई है कि 4-5 मशीन ना एक साथ अपन चला सकते हैं, और ये चलो हो गया अच्छा खासा ना। तो इधर का जो स्टोरेज कंटेनर है ना, चलो ये वाला तो फुल है। एक काम करते हैं, इसके अंदर अगर देखोगे तो इसके अंदर ज्यादा सामान है ना, एक काम करते हो ये पूरा सामान इसमें से उठा के ना इसके अंदर डाल देते हैं। और यहाँ पर शायद मेरे ख्याल से मैं डाल नहीं पाऊंगा, सामान पूरा रख नहीं पाऊंगा क्योंकि वो पूरा फुल हो चुका है। बायोमास बर्नर ना पूरे इधर रख देते हैं, और इधर के भी जो बायोमास बर्नर मैंने इसके अंदर रखा था ना, तो इधर के भी पूरे बायोमास बर्नर लेके ना एक स्टोरेज कंटेनर के अंदर सिर्फ और सिर्फ बायोमास बर्नर रखते हैं, ताकि अपने को याद रहे फिर। और इसको अपन नाम रख सकते हैं या नहीं, नाम रख सकते हैं या नहीं पता नहीं, नहीं फिलहाल में तो इसका नेम टैग अपन नहीं दे सकते। खैर पावर का झंझट हो चुका है खत्म। अब अपने को यहाँ पर बनाना है एक बड़ा वाला स्पेस एलिवेटर, और इसको बनाने के लिए अगर देखोगे तो 500 सीमेंट चाहिए, 250 मेटल प्लेट चाहिए, 400 मेटल रॉड चाहिए, और 1500 वायर चाहिए, कॉपर वायर। और ये बनाने के लिए कुछ ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, कुछ ज्यादा सामान लगेगा। 1500 कॉपर वायर बनाने के लिए तो काफी ज्यादा देर लग जाएगी भाई। तो इसकी टू डू लिस्ट अपन यहाँ पर लगा देते हैं, और अब देखते हैं यहाँ पर ना अपने को कितना कितना सामान लगेगा। इधर तो अच्छा खासा मेरे ख्याल से वायर का स्टॉक हो चुका होगा, और 1500 वायर अपन एकदम आसानी से कर सकते हैं, वैसे दिक्कत की बात है नहीं। यहाँ से जितना भी वायर इधर अपन ने बनाया था ना, और 1500 वायर अपने पास में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, और मेरे को खुद पता नहीं। वाह, यही होती है असली प्रो प्लेयर की निशानी। तो अब ये 500 इधर, और ये जो बचा कुचा माल है ना इसको इसके अंदर रख देते हैं। ये 500 500 500, ये हो चुका 1500। इधर का झंझट खत्म। आजा पत्ते, तू सामने दिख रहा है। तो आयरन रॉड चाहिए 400। आयरन रॉड का भी टेंशन नहीं है अपने को, आयरन रॉड भी अपने पास में काफी सारी पड़ी है। थोड़ी बहुत आयरन रॉड मैंने अपने स्टोरेज बॉक्स के अंदर भी रखा हूं, और थोड़ी बहुत यहां पर अभी बन के रेडी हो गई होगी, तो थोड़ी बहुत यहां से भी उठा लेते सिंपल। और इसके अंदर एक भी आयरन रॉड
ऑर्डर नहीं है, इधर से ही मेरे को जाके आयरन रोड लेना पड़ेगा। इधर देखोगे तो मेटल प्लेट, चलो आ गया मेटल प्लेट भी ना, 250 चाहिए मेटल प्लेट, 233 अपने पास मेटल प्लेट ऑलरेडी पड़ी हुई है। और यहाँ पर देखोगे तो फुल माल आ गया भाई, फुल माल आ गया, 400 चाहिए था, 492 अपने पास में। तो एक काम करते, जो ऊपर का बचा हुआ माल है ना, ये 92 को इधर रख देता हूँ मैं। तो एग्जैक्ट अपने पास में 400 आयरन रॉड हो चुकी है, बस प्लेट के लिए थोड़ा सा इंतजार करना है। और सीमेंट अगर देखोगे तो 500 सीमेंट चाहिए था, यहाँ पर अच्छा खासा सीमेंट वैसे रेडी हो चुका होगा, 489 सीमेंट हो चुका है, मतलब कुछ ही सीमेंट और बाकी है, और फिर अपन स्पेस एलिवेटर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एकदम आसानी से। सिर्फ 10 सीमेंट चाहिए और थोड़ी बहुत आयरन प्लेट और अपना काम हो जाएगा। और वो जब तक बनता रहेगा ना, अपन खाना बटोर बटोर के अपने पास में रख लेते। इधर अपने को अच्छा खासा खाना मिल गया, मेरी नजर ही नहीं पड़ी, मैं खामखा इतनी दूर गया खाना ढूंढने की तलाश में, और इधर अच्छा खासा खाना मिल गया है, और इधर आयरन और मिल गया अपने को। मर यार, ये मेरे को ऐसा लग रहा है ना, छोटा सा प्लांट है, मेरे को नहीं लगता इधर माइनर अपन फिट कर सकते। पूरा तोड़ के एक बार चेक ही कर लेता हूँ कि कितना अपन कलेक्ट कर सकते एक टाइम में, और अच्छा खासा अपन ने कलेक्ट कर लिया ना। यस, ये अपन यहाँ पर माइनर नहीं लगा सकते, मतलब ये सिर्फ छोटा सा एक कॉर्नर था। और जानवरों की आवाज आ रही है एकदम बढ़िया वाली, शायद मेरे ख्याल से ऊपर जानवर है कोई। यस, यहाँ पर कोई तो, अरे ये वाला जानवर, इससे तो डरने की जरूरत है नहीं, ये तो अपना जंपिंग जाके उसके ऊपर जंप मार के ना अपन किधर भी जा सकते, मतलब छोटी मोटी जंप कर सकते है। आजा पत्ते, जितने पत्ते आ सकते आ जाओ एक साथ में, फुल पत्ता ही पत्ता हो जाएगा अपने पास में। और यहाँ पर और खाना मिल गया भाई, खाने का तो झंझट खत्म हो गया, एकदम पेट हो जाएगा अपना फुल। और अगर तुम लोगों को एक चीज बताऊं ना, तो ये वाले टॉप के ऊपर कोई तो चीज यहाँ पर ये सामने दिख रही है, वहां पर जाओ कैसे मेरे वो समझ में नहीं आ रहा। और मेरे पास में इधर साइड सल्फर भी पड़ा हुआ है भाई, और ये सल्फर को अभी नहीं तोड़ रहे, सल्फर को ऐसे ही रहने देते हैं अपन, जब जरूरत पड़ेगी ना जब तोड़ेंगे, अभी फिलहाल में उसकी जरूरत है नहीं, क्योंकि पता है नहीं उससे अपन बना क्या सकते हैं। चलो तो यहाँ पर अपनी मेटल प्लेट तो बनके रेडी हो गई होगी, इधर अगर देखोगे तो ये तो मेटल रॉड थी ना यहाँ पर, यस ये बनके रेडी हो गई। चलो आ जाओ, ऑलमोस्ट पूरा ही काम खत्म हो गया, इधर से सीमेंट भी अच्छा खासा रेडी हो गया होगा ना। यस चलो, 24 सीमेंट हो गया है, अब बारी है स्पेस एलिवेटर को यहाँ पर लगाने की। और लगाएंगे किधर उसको, मैं सोच रहा हूँ ना उसको लगाते, पता नहीं अब इसको पावर की जरूरत है या नहीं, या पता नहीं, इसको यहाँ पर अगर लगा दूं, ये वाली जगह मेरे को ना एकदम सही लग रही है अभी। और इसको कर देते हैं इधर बिल्ड। ओ भाई, ये तो कुछ ज्यादा बड़ा है, मेरे को लगा नहीं था ये इतना ज्यादा बड़ा होगा, ये काफी ज्यादा बड़ा है। पता नहीं अभी इसके अंदर क्या हो रहा है, सायरन वगैरह बज रहे हैं यहाँ पर ना, हब टाइप कुछ दिख रहा है मेरे को, और ऊपर से ना कोई चीज़ आ रही है बढ़िया वाली, काफ़ी ज़्यादा साउंड आ रहा है इसका। और यहाँ से मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ से डायरेक्ट स्पेस में, या फिर अपने जहाँ पर टीम बैठी है वहाँ पर कोई चीज़ जा रही है, या फिर चीज़ें अपन यहाँ से सप्लाई कर सकते। और ये काफी ज्यादा बड़ा है भाई, हो चुका है रेडी, बस इतना ना हो कि अब अपने को इसको पावर देने की जरूरत पड़े। और यहाँ पर एक बार आ ही गए हैं तो देख लेते हैं इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं। और इसको लॉन्च करने के लिए ना अपने को चाहिए होगा स्मार्ट प्लेटिंग, जिसको यहाँ पर लोड करने के बाद में अपन इसको लॉन्च कर सकते हैं, मगर मेरे को पता नहीं इससे होगा क्या, अगर तुम लोगों को किसी को पता हो तो मेरे को बताना। अभी अपने कंस्ट्रक्शन को इतना ही रहने देते, ये सारी की सारी चीजों को इतना बनने देते अभी फिलहाल के लिए, उसके बाद हम बाकी की सारी चीजों को अपग्रेड करेंगे, वो ज्यादा सही रहेगा, वरना ज्यादा सारी की सारी चीजों को अपग्रेड कर लिया ना तो अपन ही कंफ्यूज होते रहेंगे। तो बस आज के एपिसोड को इतना ही रखते, थैंक यू सो मच यहां तक देखने के लिए। नए आए हो चैनल पे तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब, अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो ऐसे ही और मजेदार गेम प्ले के लिए। और साथ ही साथ मेरे को कमेंट करके जरूर बताना तुम लोगों को एपिसोड कैसा लगा। और एक और चीज, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, क्योंकि आने वाले टाइम में इस चैनल के ऊपर काफी बढ़िया बढ़िया गेम प्ले और काफी बढ़िया बढ़िया सीरीज आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। सेकंड चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो सेकंड चैनल भी जरूर चेकआउट करना, मैं उस पर भी मजेदार वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलता हूँ तुम लोगों से अगले एपिसोड में, तो चेक कैप, बाय, सी यू।